इन दिस सेक्शन आई विल बी डिस्क्राइबिंग वॉट इज़ मैंट बाय द फिशर इफेक्ट तो फिशर इफेक्ट हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ बॉन्ड की आपस की रिलेशनशिप को सो so, अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इनक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड रिलेटिव टू द रियल एसेट्स फॉल कर जाएगा और इस सिचुएशन में हमने अभी फ़िलहाल होल्ड करा हुआ है कि हमारे बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट अभी उनको उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो हमने जैसे ही देखा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज़ करने वाली है इमीडिएटली जब आप उसको रियल टर्म्स में काउंट फॉर करते हैं तो आप कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉल कर जाएगा और ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो डिमांड फॉर बॉन्ड्स है वो डिक्लाइन कर जाती है और आपकी जो डिमांड कर्व है दैट विल शिफ्ट और इस शिफ्ट को अभी हम डायग्राम में देखते हैं लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है दैट इज कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का इंक्रीज़ है ये आपके सप्लाई कर्व को भी शिफ्ट करता है तो इट विल शिफ्ट हुआ क्या सिर्फ एक फैक्टर बदला है वो क्या है आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बदलने से आपकी सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हो रही है आपका डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रहा है क्योंकि डिमांड में हमें कमी देखने को मिल रही है क्या मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन के बढ़ जाने की वजह से जो आपका रिटर्न है वो अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि जब मैं उसका रियल वैल्यू निकालूंगा इन्फ्लेशन एडजस्ट करके तो मुझे रिटर्न कम मिलेगा लिहाजा वो अपनी डिमांड को फॉल कर देते हैं लेकिन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को देखते के साथ ही जो सप्लायर है ऑफ द बॉन्ड वो सप्लाई को इंक्रीज कर देता है तो हमें सप्लाई में भी शिफ्ट दिख रहा है मगर वहाँ आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है फॉरवर्ड शिफ्ट दिख रहा है तो जो बॉन्ड का uh, जो इन्वेस्टर uh, है यानी कि बायर है बॉन्ड का वो बैकवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है यानी कि डिमांड का पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है एज अ रिजल्ट वॉट हैपन्स दैट देर वुड बी चेंज इन द प्राइस लेवल देर वुड बी चेंज इन द We initiated the discussion. We said that there is a change in the expected inflation. Or this particular phenomenon ko explain I am using this diagram. In this diagram, we can say that suppose initially there was a rise in the expected inflation. And as a result, what happens? abkijo bond ki demand curve hai, wo fall okay. Initially it was the blue curve, abhi wo brown o. Lakin. जैसे ही एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के इंक्रीज करने से मार्केट में तब्दीली आई है तो जो आपका सप्लायर है उसने देखा कि चूँकि कीमत में इजाफा होने जा रहा है लिहाजा मुझे अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देना चाहिए तो आप देख सकते हैं स्टेप नंबर टू में आपका जो बॉन्ड्स का सप्लाई कर्व है इनिशियली इट वाज द ब्लू कर्व अभी वो शिफ्ट होके ब्राउन हो गया सो so, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है और उसके फॉरवर्ड शिफ्ट करने से अगर आप इनिशियली एक्लेब्रियम पे बैठे हुए थे पॉइंट वन पे अभी जो नया इक्ब्रियम ब्राउन डिमांड कर्व और ब्राउन सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन से जो नया बना है दैट इज़ लेबल्ड एज पॉइंट टू मगर यहाँ हम जो देख रहे हैं चीज़ वो क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस है वो अभी लो हो गया है तो हम क्या देखते हैं कि दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन कि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होने वाली है मगर एज अ रिजल्ट वॉट हैपन ये पूरी सेटलमेंट होने के बाद वी सो दैट ड्यू टू अ राइज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन देर वुड बी अ फॉल इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स और आपका जैसे ही फॉल इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स आपने ऑब्जर्व किया है साथ ही में हम देख रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज करके तो फिशर इफ़ेक्ट कहता है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इन्फ्लेशन फ्यूचर में इंक्रीज करेगी आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ कर जाएगा और अगर आप इन्फ्लेशन को डिक्लाइन होता हुआ देख रहे हैं फ्यूचर में तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन कर जाएगी तो बेसिक बेसिकली फिशर इफेक्ट मीन्स दैट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड

और इस एज अ रिजल्ट नया एक डेवलप होगा इस्टेब्लिश होगा जो कि लोअर प्राइस के ऊपर होगा और लोअर प्राइस विल एंड अप इन टर्म्स ऑफ आ इंक्रीज इंटरेस्ट रेट तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के आप राइज होने के साथ में लिंकअप कर रहे हैं इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट को एंड वाइस वर्सा